समीर भाई शायद वीडियो यहाँ पर नहीं चलेगा ऐसा लग रहा है। ठीक है वो वीडियो से ही हम लोग उसका सत्य तो भी डाला यहाँ पे। हमने देखा है भारत में आज की तारीख में 65% युवा है और जिस देश में 65% की आबादी युवा होती है वो भारत देश एक गर्व का देश कहलाता है। बाकी कोई भी कंट्री में इतने प्रतिशत युवा नहीं है जो हमारी कंट्री में है और इतने युवा होने के बावजूद भी आज भारत क्यों मायूस है, हमारा युवा क्यों बंद आंख करके बैठा है या तो उसको क्यों कोई विजन नहीं दिख रहा, कोई क्लैरिटी नहीं मिल रही, तो ये हमें बहुत बड़ी एक चैलेंज मिल रही है। उस चैलेंज को हमें कैसे फेस करना है, वहाँ से कैसे बाहर निकलना है, ये हमारे लिए बहुत इम्पोर्टेंट बात है। हम कहते तो है कि मेरा भारत महान, लेकिन है बड़ा परेशान। लगता है कि हमारा भारत परेशान है, लगता है तो उस परेशानी को कैसे निकाला जाए। हमें मौका मिला है इस नए भारत को डेवलप करने के लिए और ये नया भारत हम युवाओं से ही आगे बढ़ सकता है, हम युवा ही उसमें से कुछ ना कुछ रास्ता निकाल सकते हैं। तो मैं चाहूंगा कि आज किस किस परेशानी से आप लोग जुड़े हुए हैं आप बता सकते हो, कोई परेशानी आपको बाबा के बच्चे किसी को परेशानी नहीं है, सब बाबा पे छोड़ दिया है, ठीक है। लेकिन आज युवाओं की परेशानी ये है जॉब नहीं मिल रही उन लोगों को, बेकार है उनका जो स्किल है या वो जो पढ़े लिखे हैं उसके साथ उनको बिजनेस नॉलेज नहीं मिल रही। हम लोग धंधा भी करते हैं तो पूरा दिन 24 घंटा काम करने के बावजूद भी हम इतने पैसा इतने आमदनी नहीं कमा पाते जिससे हमारा सर्वाइवल हो। और उसका रीजन एक है कि हम लोग वो फोकस पर काम ही नहीं किया, हमने जो फोकस करना चाहिए उस फोकस पर हमने काम नहीं किया। तो आज हम लोग वही डिस्कस करेंगे कि कैसे हम लोग बाहर निकल सकते हैं। मैं एक वीडियो के माध्यम से दिखा सकता हूँ, अगर वीडियो चल गया तो अच्छी बात है। वॉइस नहीं है, कोई बात नहीं, वीडियो ध्यान से कह रहा है तुम चलो तो हिंदुस्तान चले, इस वीडियो का शब्द यह है, नहीं आ रहा है। हम भी ऐसा ही लाइफ में करते हैं, और कोई चले तो मैं चलूं, अगर हमारे यहाँ आसपास में कहीं कोई प्रॉब्लम्स है तो हम लोग क्या करते हैं, मुझे क्या पास वाला पड़ेगा, चल लो कोई बात नहीं चल लो। तो यहाँ मूवी का जो देख रहे हो उसमें है कि एक रास्ते में ट्री पड़ा हुआ है, रास्ता बंद है और वहां से एक एमएलए पॉलिटिशियन जा रहा है, उसके लिए भी रास्ता बंद है। तो उसे कहा गया है उसके पीएन ने कि सर आप चिंता मत करो, आपके लिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया है। वो तो पॉलिटिशियन था, बड़ा आदमी का इसलिए गाड़ी का इंतजाम कर दिया है, लेकिन हमारे लिए गाड़ी का इंतजाम कौन करेगा। तो हम आम लोग वही सड़क पर बैठे हुए बारिश के लिए रास्ते में झाड़ गिरा हुआ है, पेड़ गिरा हुआ है और रास्ता बंद है। सब लोग सोच रहे हैं कि अगर कोई आए और उठाए तब जाके रास्ता क्लियर हो रहा मार्केट से। उस केस में एक बच्चा जो स्कूल में जा रहा है उस बच्चे को सोच है कि क्यों ना मैं कोशिश करूं इस पेड़ को यहां से उठाएगा। तो उसके अंदर जो एक क्वेश्चन आया, प्रश्न आया कि इसको मैं ही क्यों ना हटाऊं ताकि रास्ता क्लियर हो जाए और मैं स्कूल जल्दी जाऊं। तो उसने कोशिश की बस से उतर के अपना थैला भी नीचे गिरा दिया और पेड़ को हटाने की कोशिश कर रहा है। उसको देख के जितने भी बड़े बड़े लोग थे वो देख रहे हैं बच्चा क्या कर रहा है।
लेकिन और बहुत सारे छोटे छोटे बच्चे खेल समझ के आ गए वहां पे और उस पेड़ को उन्होंने धक्का मार के कोशिश की कि यहाँ से हट जाए। बच्चों को इस तरह का एफर्ट्स करते देखते देखते बड़े लोग भी आ गए और सबने मिल के उस पेड़ को एक जगह से दूसरी जगह पर हटाया, रास्ता क्लियर हुआ और इस तरह से रास्ता हमारा साफ हुआ। तो ये मूवी से हमें क्या सीखने को मिला, मैं थोड़ा इंप्रेशन करना चाहूंगा बेटा, ये अपने मैं जो कहानी सुनाई आपको होती है इसमें क्या आपने सीखा आप बताइए। सब एक साथ मिलकर काम करते हैं, यूनिटी स्ट्रेंथ। आप कितना ठीक है, वेरी गुड। आप यूनिटी स्ट्रेंथ, यूनिटी स्ट्रेंथ। आप यूनिटी तो सब लोग एक ही बोल रहे हैं, मुझे एक ही वर्ड नहीं चाहिए, मुझे अलग अलग वर्ड चाहिए। किसी किसी को तो पहल, किसी ना किसी को तो पहल करनी पड़ेगी। यहाँ से कोई बता रहा है, क्या बता रहे थे? प्रयास किया, प्रयास किया। हाँ, प्रयास करना बहुत जरूरी है। यहाँ पे बच्चे ने इनिशिएटिव लिया कि मैं करता हूँ और दूसरा बच्चे को नहीं मालूम था कि मैं नहीं कर सकता। तो अपने अंदर की पोटेंशियल को जगाना बहुत जरूरी है। आज का जो युवा है वो अपने अंदर के पोटेंशियल को भूल चुका है कि वो क्या कर सकता है। मोटिवेशनल स्पीकर कितना भी चिल्ला चिल्ला के बोले रहे, अच्छी अच्छी किताबें कितने भी बड़े बड़े फॉन्ट में लिख दे रहे कि हमारे अंदर बहुत पोटेंशियल है, उसको बाहर निकालो, लेकिन हम लोग उस पोटेंशियल को नहीं जान पाए। हम युवाओं का ये बहुत बड़ा एक आंखों के सामने अंधेरा है कि हम अपने आप को नहीं जान पाए। जो बच्चे ने किया वो सब कर सकते थे, पर तुम चलो तो हम चलते, मतलब आप आगे चलो तो मैं आगे आता हूँ, ऐसा नहीं चलता। हम करेंगे तो दुनिया करेगी। पापा भी कहते हैं यहाँ पे कि पहले खुद को बदल लो तो दुनिया बदल जाएगी। मैं बचपन से ब्रह्मा कुमारी संस्था में जुड़ा हूँ, चाहे बच्चे लेकर जटी में नहीं जाता था, तब से हम 10 किलोमीटर महंगा ही जाएगा उसके कीर्तन नगर चल के जाते थे, हमको कॉपी लेके जाती थी, तब से मुझे पापा का ध्यान मिला है। तो पापा ने भी हमेशा यही सिखाया है कि पॉजिटिव एटीट्यूड के साथ अगर आप लोग कोई भी कार्य करोगे और साथ में बाबा को रखोगे तो आपको कभी भी दिक्कत नहीं आएगी, और अगर दिक्कत आती भी है तो एग्जाम भक्तों के ही ली जाती है, भक्तों के ही एग्जाम ली जाती है। कभी कभी हम लोग समाज में जब बात करते हैं तो यार वो तो बहुत भगवान का आदमी, सब आदमी, लेकिन उसकी बहुत परीक्षा भगवान ले रहा है, तो एग्जाम किसके लेगा? भक्तों के लेगा ना, हम लोग की थोड़ी लेगा। स्कूल में भी एग्जाम होती है तो स्टूडेंट के लेते हैं, बाहर जो पढ़ाई है तो उनके एग्जाम लेते हैं। तो बाबा भी इस तरह से, भगवान भी इस तरह से हमारी एग्जाम ही लेता है। तो हमारे अंदर के पोटेंशियल को जगाने के लिए हम लोगों को काफी कुछ मेहनत करनी पड़ती है, इनर वॉइस को समझना पड़ता है। और साथ साथ जो हमने इस वीडियो में देखा था कि इनिशिएटिव लिया, सबने साथ में मिलकर काम किया, परिस्थिति चाहे कोई भी हो उससे रास्ता निकालना और हम किसी के भरोसे ना बैठना, कौन सा मैसेज इस अंदर है? वीडियो का वॉइस नहीं कर पाए हम लोग, इसलिए शायद आप लोगों को मजा नहीं आया होगा, बट मैंने कहानी आपको अच्छी सुनाई, उससे हम लोग बात कर सकते हैं। लेकिन साथ साथ हम लोग आज और भी हमारे प्रश्न है इनर वॉइस के साथ साथ, इनर ब्यूटी के साथ साथ एक स्किल डेवलपमेंट बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क है। आज अगर हम किसी युवा को पूछें स्कूल में पढ़ने के बाद कि भाई पढ़ाई क्या की, तो बता देगा कि मेडिकल इंजीनियर हुआ, बीटेक हुआ, कंप्यूटर इंजीनियरिंग हुआ, बीकॉम किया, राइट। लेकिन जब उसको इंटरव्यू में पूछते हैं उसने जो पढ़ाई की उसी हिसाब से क्वेश्चन करते हैं तो आंसर नहीं दे पाता, उसका रीजन ये है उसने कभी अपने स्किल पे काम नहीं किया। तो हमें हमारे स्किल पर बहुत सारा काम करना पड़ेगा, क्योंकि जब तक स्किल नहीं है तब तक आपको विल नहीं आएगी, और विल नहीं आएगी तो आपको कोई मकसद ही नहीं रहेगा आपका काम करना। तो स्किल और विल दोनों अगर आपके पास होगी तब जाके हम लोग कुछ ना कुछ कर सकते हैं। तो हमें हमेशा स्किल डेवलप करनी पड़ेगी। मैकेनिकल इंजीनियरिंग पढ़ा हुआ लड़का अगर हेक्सोब्लेड नहीं मालूम है, उसको स्केल नहीं मालूम है, तो मतलब नहीं है। बीकॉम किया हुआ लड़का अगर उसको अकाउंट के बारे में, मैथ्स के बारे में नहीं मालूम है, तो क्या हमने खाली टाइम पास ही किया?
हमारा युवा इसलिए आज नौकरी से वंचित है और बेरोजगार है क्योंकि हम कहीं ना कहीं आसपास में देखा ही होगा या अभी नौकरी आ रही है उसको जॉब नहीं मिल रही, या तो बिजनेस पर बहुत मेहनत कर रहा है लेकिन उसको वर्कर नहीं मिल रही। उसका रीजन यही है कि वो अपने आप को नहीं निकाल पा रहा है, अंदर से वो ऐसी भीड़ में फंसा हुआ है जहाँ से उसको बाहर निकलना मुश्किल है। एग्जाम्पल के तौर पर मैं बात करता हूँ कि कुछ मेढक बस गए थे एक जगह पर, तो काफी कुछ मेढक कोशिश कर रहे थे वहां से बाहर निकलने की लेकिन कोई भी मेढक बाहर नहीं निकल पा रहा था। उसका रीजन क्या होगा? एक डिब्बे में फंसे हुए मेढक है लेकिन किसी वजह से नहीं निकल पा रहा, उसका रीजन क्या होगा? और एक ही मेढक था, उसने कुछ मेहनत करके बाहर निकल गया, तो क्या रीजन होगा बता सकते हैं? ये कहानी सुनिए पहले, क्या बताइए? देखो हमारे इर्द-गिर्द के सभी लोग हम कुछ भी कार्य करने जा रहे हैं तो आसपास के लोग यही बोलते हैं भाई तुम नहीं कर पाएगा, अगर जिसके पेरेंट्स अपने बच्चों को रिलैक्स कर देते हैं वो बच्चे देखो बहुत आगे, तो जो मेडक जो है वो निकल गया, वो मेरे बह रहा था, उसने नेगेटिव बातें ही सीखी थी, तू नहीं कर पाएगा एक दूसरे से बाहर नहीं कर पाएगा, तो उतना मेहनत करके निकल गया। बिल्कुल आपने बहुत सही बताया, तो हमें उस नेगेटिव बातें जो हो रही है हमारे बारे में, हमें जो करना है उसके बारे में, वो नेगेटिव बातों को हमें नहीं सुनना है, वहाँ बहरा करना है, ठीक है? तो ये मेडक की बात है, वही बात हम लोग स्किल डेवलपमेंट में करते हैं। स्किल कैसे डेवलप किया जाए? स्किल आप कुछ भी करो, चाहे मीठा पॉलिश कर लो, कारपेंट्री कर लो, टेलरिंग काम कर लो, अच्छे से इंजीनियरिंग किया हुआ इंजीनियरिंग में भी बहुत सारे स्किल डेवलप कर लो, आईटी किया हुआ आईटी में भी आप और भी आगे क्या कर सकते हो, क्वालिटी थीसिस करके अगर आप कहीं जॉब पर जाओगे कहीं बिजनेस में जाओगे तो आपको हेल्प मिलेगा। तो वो स्किल तो हमें पढ़ाई करके ये बट प्रैक्टिकल नहीं है, और प्रैक्टिकल जब आप जॉब पे जाते हो तो वहाँ टेक्नोलॉजी अपग्रेडेशन हो चुका है, हम उस टेक्नोलॉजी के साथ फैमिलियर नहीं है, इसलिए क्या होता है जहाँ पे भी इंटरव्यू में जाते हैं हम लोग वहाँ फेल हो जाते हैं, क्यों? टेक्निकल हम लोग एडप्ट नहीं किया। आज हम लोग टेक्नोलॉजी में अपडेट कर दिया है बट खाली मोबाइल फोन से, मोबाइल फोन में वीडियो देखना, फेसबुक करना, इंस्टाग्राम देखना, राइट, रील देखना, लेकिन उसके अलावा भी YouTube का फायदा बहुत सारे अच्छे अच्छे वीडियो देखो जहाँ पर स्किल डेवलप कर सकते हो, आप रोजगारी डिमांड कर सकते हो, नए बिजनेस ढूंढ सकते हो, क्योंकि YouTube पर ऐसा बहुत सारे चैनल हैं जहाँ पर आपको नए बिजनेस का भी प्लान किया जाता है, तो उस टेक्नोलॉजी का आप उपयोग करो और साथ साथ हेल्थ इम्प्रूवमेंट। हम लोग क्या करते हैं, हम हमारे बिजी शेड्यूल की वजह से हम हेल्थ पे फोकस नहीं करते, हमेशा हम हेल्थ को इग्नोर करते हैं, ये इग्नोरेंस हमारे लिए बहुत बड़ा खतरा बन सकता है आगे। मैंने अक्सर देखा हुआ है कि इंडिया में हम लोग हेल्थ कॉन्शियस नहीं है, और जब भी हमको ऐसा लगता है तो हम कहते हैं क्या 50 साल तक शांति से बैठेंगे ना, जब हम रिटायर हो जाएंगे शांति से बैठेंगे, तो ये 50 साल में रिटायर होने के बाद जब अगर कोई बंदा मिलता है तो भगवान ऊपर बैठा सुनता है यार इसको भेजा था मैंने 80 साल तक जीने के लिए कुछ करने के लिए, और ये बंदा 50 साल में रिटायर होने की बात कर रहा है, तो क्या करता है अपना उसका सॉफ्टवेयर चेंज कर देता है, 50 साल में उसको डायबिटीज दे देता है, ब्लड प्रेशर दे देता है, हार्ट फेलियर बना देता है, बहुत सारे डिजीज उसको लग जाता है ताकि वो बिजी रहे गोलियां खाने के अंदर। तो अगर हम लोगों को 50 साल के बाद रिटायर होना है तो बोलना ही नहीं है, उसके बाद मरते दम तक हमें काम करना है, भगवान को मालूम है इसको बहुत सारा काम है, इसको ये सब दिया नहीं जाएगा, वो अपना केयर करेगा,
तो ये हमारा थॉट प्रोसेस पॉजिटिव एटीट्यूड प्रोग्राम के साथ होना चाहिए कि तूने हमें यहाँ भेजा है तो कुछ काम के लिए भेजा है, तो मैं क्यों ना अच्छा काम करूँ। मैं आपसे हेल्थ की बात भले कर रहा हूँ लेकिन मैं भी आपके जैसा ही हूँ, हेल्थ में मैं कॉन्शियस नहीं हूँ, बहुत दिक्कत होती है तो दफ्तर पा जाता हूँ, बट फिजिकल फिटनेस के लिए जिम जाना चाहिए और मेडिटेशन करना चाहिए, इससे हमें बहुत क्लैरिटी मिलती है और हमारी हेल्थ भी सही होती है। तो लास्ट 2 महीने से मैं भी जिम ही जा रहा हूँ और बाद में ग्लोबल एम्पावरमेंट और कल्चर डेवलपमेंट, वुमन एम्पावरमेंट का बहुत बड़ा एग्जाम्पल ब्रह्मा हमारी संस्था है। ब्रह्मा बाबा ने खुद सभी आत्माओं को जुड़ने का काम बहनों को दिया हुआ है ताकि एक मिसाल बने कि बहनें भी कुछ ना कुछ तो कर सकती है और बहनों ने बहुत अच्छा किया है। ये एक ही ऐसी पहली संस्था है जहाँ पर मैंने कभी भी कोई भी गलत नहीं सुना है बहनों के बारे में, तो ये बहुत अच्छी बात है, इसके लिए तालियां बजानी चाहिए। हमें बहुत प्रेरणा मिली, बाबा ने पहले ही कह दिया था कि वुमन एम्पावरमेंट करो, आगे दुनिया बहनों के द्वारा ही चलने वाली है। और आज देखेंगे हम लोग तो मल्टीनेशनल जितनी भी बड़ी कंपनीज है वर्ल्ड वाइड उसकी सीईओ या एमडी बहन है, और बाबा ने तो सबसे पहले ही बहनों को ताज पहना दिया था। तो वुमन एम्पावरमेंट बहुत जरूरी है और हम युवाओं के लिए वुमन एक हमारे लिए कॉम्पिटिशन भी बन सकती है, जो हम नहीं कर पाए पुरुष लोग वो आज क्रिया कर रही है, तो हमें कंधे से कंधा मिलाने के लिए उन्होंने ऑलरेडी कदम बढ़ा दिए है, हमें साथ में मिलकर उनके साथ काम करना पड़ेगा, नहीं तो हम लोग आगे नहीं बढ़ सकते। इंडिया छोड़ के अगर हम लोग कहीं बाहर कंट्री में बात करते हैं तो वहाँ पे पैरेलल लड़कियाँ काम करती है, और आज भी हमारी ये सोच है कि लड़की फैक्ट्री में काम करेगी, लड़की ऑफिस में जा रही है तो ऑफिस में काम करेगी, नहीं तू घर नहीं जाएगी, तू घर पे रहेगी, जॉब नहीं करेगी, तू बिजनेस नहीं करेगी, राइट। इसलिए हम भारत पीछे, आप बाहर में जाके देखो आपको लड़की नहीं मिलेगी बिजनेस चलाने वाले, तो ये रेवेन्यू तभी जनरेट होगा जब हम सब लोग साथ में मिलकर काम करेंगे। और काम किस लिए करना है, हमारे लिए करना है, हमारे बाद देश के लिए करना है, और जब आपका मकसद देश का है ना तब आप आगे बढ़ सकते हैं। और रही बात कल्चर की, तो हम जिस कल्चर में बैठते हैं वैसा ही बन जाते हैं, कल्चर बोले तो संगत हमारे, और हमारी संगत और कल्चर अगर आप अच्छे लोगों के साथ बैठोगे तो अच्छे बनोगे। अगर सक्सेसफुल बनना है आपको तो सक्सेसफुल लोगों की भीड़ में चले जाओ, वो लोग आपको धक्का मार मार के सक्सेसफुल आदमी बना देंगे, ये बहुत अच्छी बात है। और इसकी फिलोसफी भी बहुत बढ़िया कर देती है कि अगर आप मुंबई में लोकल ट्रेन में जाते हो तो आपको खुद एफर्ट्स करने की जरूरत नहीं है, प्लेटफॉर्म पे खड़े रहोगे अपने आप करने की जरूरत होगी, और उतर में तो आपके दरवाजे पे जाओ अपने आप तो धक्का मार मार के लोग उतार देंगे। तो सक्सेसफुल आदमी भी ऐसा ही करते हैं, उसको धक्का मार मार के घसीट करके लेके जाएगा और सक्सेस बना के रखेगा। मेरा एग्जाम्पल यही है कि मैं हमेशा सक्सेसफुल आदमी के साथ बैठता था, उनके साथ बातें करता था, तो मेरा भी वही थॉट रहता था कि मुझे भी बहुत बड़ा आदमी बनना है, तब जाके अभी कुछ आपके साथ बात कर रहा हूँ। लेकिन बड़ा आदमी बनने का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, सफलता का कोई डेस्टिनेशन नहीं होता है, सफलता एक पड़ाव है, एक सफलता मिलने के बाद और बहुत सारी कोशिश करने के बाद नई सफलताएं हासिल कर सकते हैं। हमने काफी बार सुना है कि कुछ लोग बहुत माइंड होकर बोलते हैं मैं निष्फल हूँ, मैं सफल नहीं हो रहा इतना, तो मैं चाहता हूँ कि हम लोग इस धरती के जो भी लोग आए और यहाँ तक हैं हम सफल ही हैं, क्योंकि हम जब छोटे थे तब बहुत बार खड़े होंगे गिरे हुए और फिर वापस खड़े हुए, फिर चले दौड़े और आज यहाँ पे संस्था में आए हो, तो आप कैसे अपने आप को कह सकते हो आप निष्फल हो, कह सकते हो क्योंकि आप खुद यहाँ पर अपने पैरों पर चल गया है, तो आपका एग्जाम्पल आपके पास ही है। तो कभी भी ऐसी बात नहीं करना कि मैं निष्फल हूँ, निष्फलता आपकी कोई शब्द ही नहीं है, दो ही शब्द है सफल और असफल। निष्फल आदमी तभी होता है जब वो प्रयास छोड़ देता है,
सफल होने के लिए प्रयास करते रहोगे तो हो सकता है असफलता मिलेगी आपको, पर प्रयास छोड़ दिया तो निष्फलता है, तो निष्फलता निष्फलता में है ही नहीं। तो हम लोग वही कल्चर को बैठे हैं, अगर कल्चर से हम लोग एक बार अच्छा आदमी अगर गंदे लोगों के साथ बैठना चालू कर दिया तो हो सकता है 11 दिन के बाद वो भी सोच लेगा चलो मैं भी ट्राई कर लेता हूँ बीड़ी गुटखा सिगरेट जो भी, राइट। तो गंदे की संगत जल्दी लग जाती है, उसकी आदत गिरानी नहीं पड़ती, वो अपने आप आदत हो जाती है, और अच्छी लोगों के साथ बैठने के लिए आदत गिरानी पड़ती। और इसीलिए हमारे ब्रह्मा कुमारी संस्था में जो स्पीकर है अच्छे अच्छे, और वहाँ यहाँ पे रूल्स भी है कि अगर आपको कोई अच्छी आदत गिरानी हो ना तो 21 दिन तक वो काम करो, 21 दिन बाद वो अपने आप ऑटोमेटिक आदत हो जाती है। तो ये 21 दिन का बाबा का जो रूल्स है उसको हम फॉलो करते हैं तो हमें अच्छी हैबिट गिर जाती है, लेकिन खराब आदत गिरानी हो तो अपने आप गिरती है। तो कल्चर की बहुत संगत कल्चर भी बहुत सक्सेसफुल होने के लिए आपको सपोर्ट करता है।